Welcome to SG Inceptions, your Acrim channel. After a long time, today I am at Vasai West to cover Suraj Aquarium Fish Shop. So, बहुत टाइम के बाद आज हम देखने वाले सूरज एक्वेरियम का एग्जॉटिक स्टॉक एंड हियर इज द मैसिव जायंट मॉन्स्टर फिश टैंक 10 फीट का जो भी हम कवर करेंगे. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू शो यू सम एग्जॉटिक यूनिक स्टॉक दैट इज अवेलेबल एट सूरज एक्वेरियम. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. तो सबसे पहले हम सूरज एक्वेरियम के खूबसूरत स्टिंगरेज चेकआउट करने वाले हैं, इनके बारे में हम जानकारी जानेंगे. उससे पहले मिल लेते हैं सूरज एक्वेरियम के ओनर के साथ. मेरे साथ है सूरज भाई, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हॉबीस्ट कम सेलर और बड़े लॉयल डाउन टू अर्थ जेन्युइन पर्सन भी है. बड़े दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई मेरी. कैसे हो सूरज भाई आप? मस्त हूँ भाई, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई. सो बड़े दिनों के बाद भाई आया हो, कैसा स्टॉक रहता है आजकल सूरज एक्वेरियम में? स्टॉक तो पहले जैसे ही जी, एग्जॉटिक कैटेगरी जैसा मैं रखता हूँ, मॉन्स्टर कैटेगरीज के हैं, सेम स्टॉक है. थोड़े से और भी नए नए वेरिएंट्स हैं, जैसे कि टाइगर्स की वैरायटी है अपने पास, ओके, दो तीन. देन स्टिंगरेज में है, हाइब्रिड स्टिंगरेज है जी, ब्लैक डायमंड स्टिंगरेज है. तो इस टैंक में आधा डजन स्टिंगरेस आपको देखने को मिलेंगे. सो पहले वाला भाई ये बताइए ब्लैक ब्यूटी इसके बारे में. ये अब तो ब्लैक डायमंड स्टिंगरे है, ओ सबका फेवरेट जी, जी. स्टिंगरे पसंद है वो, सबसे फेवरेट स्टिंगरे सबका वही है, ब्लैक डायमंड. राइट राइट. और ब्लैक और वाइट स्पॉट्स है इनका. क्या साइज का है ये आपके पास? 8 इंच का साइज है इनका. ओके, एन ए ग्रेड है ये सब. ऑलराइट. और यहाँ पे ये वाला वो हाइब्रिड है, मोटोरा हाइब्रिड है. ओ दो पीस जो छोटे हैं ना, इसमें मोटोरा हाइब्रिड है, वो अराउंड 5 इंच का साइज है उनका. ओके, सो हियर इज अ स्टनिंग मॉन्स्टर फिश एंड लुक एट देयर प्रोमिनेंट स्ट्राइप्स. ये फिश मुझे बड़ी पसंद है. क्या नाम है सूरज भाई इसका? ये इंडोनेशियन टाइगर का वेरिएंट है. ओके, सुमात्रा इंडोनेशियन टाइगर. ओ इसमें भी 3-4 कैटेगरीज आते हैं जी जी. देखिए जो स्टिंगरे के टाइम में जो आपने देखा ना पहले जी, वो एंटिटी बोलते हैं, नॉर्थ आइलैंड टाइगर. ओके, ये सुमात्रा टाइगर है, ये उससे थोड़ा एक ग्रेड ऊपर की है. अच्छा, दोनों को पहचाने कैसे? पहचानना लाइक आपको देखो, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका पैटर्न जो है, मार्किंग जो बैंड है इसका थोड़ा ज़्यादा रहता है. अच्छा, इसको अराउंड 5 बैंड है, उसको 3 बैंड रहेगा. ओह, ये थोड़े से ना येलोइश रहेंगे, येलोइश रेडिश में रहेंगे, और वो थोड़ा सा लाइक गोल्डन जैसा कलर रहता है उसका. ओके, और काफ़ी बड़े भी होते हैं ये. कितने बड़े बोले थे? अराउंड 2 फीट तो हो जाते हैं, बट थोड़े स्लो ग्रोथ है इनके. अच्छा, टाइम जाएगा इनको ग्रो होने के लिए. नेक्स्ट अमेजिंग मॉन्स्टर फिश इज हियर एंड लुक एट दैट, वेरी एक्टिव, वेरी गॉर्जियस. ये कौन सी वाली है भाई? ये पिकॉक बास है, पिकॉक बास मोनोक्लेस है जी. काफ़ी डिमांडिंग फिशेज है अभी फिलहाल में मॉन्स्टर कैटेगरीज में. राइट, एंड साइज भी अच्छा है इनका, अराउंड 6 इंच का साइज है इनका. ओके, ये साइज थोड़ा रेयरली मिलता है, लाइक आपको 2-3 इंच का साइज मिल जाता है हमेशा. बराबर, ये सब वही मॉन्स्टर कैटेगरी वाले ही है सब जी जी. सो इस टैंक में 3-4 अमेजिंग एग्जॉटिक स्पीसीज है. सबसे पहले भाई बताइए इसके बारे में, ये वाली. ये फ्रंटोसा सिक्लिड है. ओ, ये कौन सी फ्रंटोसा है? ये फ्रंटोसा बुरांदी है. ओ, तो कॉमन वैरायटी जो मिलते हैं. ओके, और यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वैरायटी है जो इनके मॉन्स्टर टैंक में, इसका बहुत बड़ा वर्जन है, ये इसका स्मॉल वर्जन है. तो आप देखिए इसका पैटर्न, जब बड़ा हो जाता है तब तो इतना निखरता है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इसके पैटर्न का. ये वाला भाई कौन सा है? ये रेडटेल फ्लैगटेल है. ओ, अमेरिकन फ्लैगटेल जो अपने बड़े टैंक में है ना, जाइंट जी, जी. वही उसके बेबीज हैं. अच्छा, मॉन्स्टर कैटेगरी वाले ये भी. ओके, ये वाली, ये वुड कैटफिश है. ओ, इसमें आपके पास ये कौन सा टाइप है? जैसे कि ये नॉर्मल वाला है पीछे जो छुपा है, ये वाला कौन सा, क्या बोलते हैं इसको? ये प्लैटिनम वुड कैटफिश है. ओ वाओ,
सो ये जो चुलबुला आप देख रहे हो ये वाला नॉर्मल रेगुलर फिशरवुड कैटफिश है जो हमको कॉमनली देखने को मिलता है, बट दिस इज़ अ प्लैटिनम फिशरवुड कैटफिश जो बहुत ही रेयर है। सो इस टैंक में आपको अलग अलग टाइप्स के डॉलर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ पे टिन फॉइल्स भी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये वाले जिनके ऊपर एक स्ट्राइप आई हुई है, ये वाले भाई कौन से हैं? ये डॉलर की वैरायटी है, ब्लैक बार डॉलर बोलते हैं इसे। ओ, और ये भी आप मॉन्स्टर टैंक में डाल सकते हो। अच्छा, ये भी अराउंड समझो एक 5-6 इंच का साइज होता है इनका। अच्छा, अच्छे साइज होते हैं इनके। और ये वाली, ये स्पॉटेड डॉलर है। ओ, ये भी अराउंड वही जो डॉलर की साइज होती है 4 इंच तक जाते हैं। अच्छा, और ये वाले जो थर्ड वैरायटी है अपने पास, ये हुक डॉलर है, रेड हुक डॉलर। जी, जैसे कि आप एनल फिन देख सकते हो कैसी एलोंगेटेड है, पॉइंटेड है, शार्प है, सो दैट इज़ वाई इनको नाम पड़ा है रेड हुक डॉलर। देन ये जो चमक रहे हैं आगे की तरफ, ये टिन फॉइल की वैरायटी है, बट ये बलून टिन फॉइल है। अच्छा, ये बहुत रेयर है। वाओ, शॉर्ट रहता है ये। जी, ये भी मॉन्स्टर कैटेगरी में आप अक्सर देखोगे तो ये आपको फॉरेन के जो वीडियोज रहते हैं उस पर देखने मिलेंगे। काफ़ी रेयर फिशेज है। बराबर, इसको बलून अल्बिनो टिन फॉइल बोलते हैं। यस, तो ये टिन फॉइल में अल्बाइनो है और अल्बाइनो में शॉर्ट बॉडी है। राइट, लुक एट द आईज, प्योर रेड इन कलर। सो नाउ वी आर शोइंग यू आई प्लीजिंग पैटर्न वाले ऑस्कर्स, बट इनका भी लेट मी टेल यू जो बॉडी शेप है वो अलग है। ये वाले भाई कौन से ऑस्कर्स है? ये अगेन शॉर्ट बॉडी का वेरिएंट है। शॉर्ट बॉडी अल्बिनो मोजाइक ऑस्कर है। ओके, ये भी रेयर कैटेगरी का ही है। यस, एग्जैक्टली। तो इस टाइम काफी मैंने शॉर्ट बॉडी के वैरायटीज मंगाए हैं। जी जी, क्योंकि लॉन्ग बॉडी काफी हो गए। जी जी, कुछ नया वैरायटी के हिसाब से, वेरिएंट के हिसाब से मैंने मंगाए हैं। इनकी आप सारी टेल्स भी देखोगे, डोर्सल, एनल और टेल, वो देखिए आप कैसे मतलब एक साथ में है, तो ऐसे पूरी मतलब साथ में चल रही है। लॉन्ग लग रही है, वेल लग रही है, एकदम वेल नहीं है बट एकदम लॉन्ग है, इसलिए एकदम वेल लग रही है। ये शॉर्ट बॉडी में होती है तभी ऐसा कमाल देखने को मिलता है हमको इनमें। क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई। जी, वो क्लीन पीस है, मार्किंग वगैरह बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद आया। जी, ये देखिए पूरी प्योर साफ, ना कोई स्पॉट, बड़ी एक्टिव भी है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये कैटफिश भाई रह गई कवर करने की, ये भी बड़ी यूनिक वाली है। ये भी अगेन एक रेयर कैटेगरी का है। ये शवल नोज की वैरायटी है। ओ, लीमा शवल नोज कैटफिश बोलते हैं। राइट राइट, एक 10 इंच का साइज है। जी, ये भी बीच में आ रहे थे काफी, एक दो बार स्टॉक आया बट अभी नहीं आ रहा। अच्छा, ये अभी ये काफी रेयर साइज है, 10 इंच का साइज है इसका, बहुत प्यारा फिश है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे है एक बेहद स्ट्राइकिंग अपीयरेंस वाले प्लेको फिश, एंड लुक एट देयर एंटायर अपीयरेंस, इट इज़ सो फैसिनेटिंग, सो अट्रैक्टिव। सो इनकी आप डॉर्सल की एज भी देखिए, इट इज़ रेड एंड एंटायर टेल फिन इज रेड इन कलर। कौन सी बढ़िया वाली प्लेको है भाई? है ये एल सीरीज की वैरायटी है, प्लेको एल सीरीज की। हाँ, ओके। और ये इसका नंबर L114 है, कैक्टस प्ले को बोलते हैं इसको। अच्छा, और काफ़ी रेयर साइज है ये, अराउंड 6 इंच का साइज है इनका। अच्छा, ओके। और ये साइज में देखना थोड़ा सा मुश्किल है इनको, नॉर्मली आपको कैसा 1-1.5-2 इंच के साइज से दिख जाता है ये। जी जी, बट ये साइज में आपको जल्दी नहीं मिलता, काफ़ी रेयर है। जी, और एल सीरीज में मेरे ख्याल से ये वन ऑफ दैट प्लेकोज है जो बड़े होते हैं साइज में। राइट राइट, ये काफ़ी बड़े होते हैं, ये मॉन्स्टर टैंक्स में डालने लायक है। अच्छा, ये देखिए इनकी ब्यूटी, ऐसा लगता है कि आर्ट किया हुआ है इनके बॉडी के ऊपर। लुक एट दैट, वाओ। सो ये देखिए अब ये रॉक के ऊपर बैठा है। So now we are showing you a majestic arowana at Suraj Aquarium. Look at its scale, they are shining. Look at the scale borders especially. Here they are. Wow, damn attractive arowana.
सो भाई कौन सी है ये? रॉयल अरवाना। ये भाई एकदम रॉयल जी, मेरा फेवरेट जी, मेरे भी फेवरेट सुपर रेड अरवाना। वाव अमेजिंग। वो तो हमको इसके जो अपीयरेंस है उससे ही पता चल जा रहा है कि कितनी सुपर रेड है ये, क्योंकि इसके आप अगर देखेंगे तो चीक्स भी चमक रहे हैं और इसके जो स्केल्स है वो भी आप देखिए कितने हाईलाइट हो चुके हैं। कितनी साइज की है भाई अभी ये 15 इंच का साइज है इसका, 15-16 इंच का साइज है, एंड ये मेरा पर्सनल फिश है, पहला अच्छा, बोलता हूं मैं, सेलिंग के लिए नहीं है। अच्छा, किसी को ऐसा चाहिए तो मिल जाएगा? किसी को चाहिए तो ऐसा मिल जाएगा आपको जी, अच्छे कलर वाले। ओके, एंड जेन्युइन पीसेस जो आते हैं ना, जो अच्छे सिलेक्टेड पीसेस मिल जाएंगे, इसमें छोटे भी है हमारे पास में। ओके, बट कैसा है कि रेड के पीछे थोड़ा सा मेहनत है, उनके पीछे उनको लाइक ग्रूम करना पड़ता है जी कलर के लिए, राइट, उसके पीछे थोड़ा मेहनत लगता है। ओके, सो नाउ वी आर शोइंग यू एक अरवाना की वैरायटी। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्योर कलर के अरवाना से, कौन से भाई है ये? अल्बाइनो अरवाना है, अरवाना का वेरिएंट है सिल्वर का। ओके, रेड इज अल्बिनो अरवाना है, साइज इसका अराउंड 4-5 इंच का साइज है जी। आपको अगर देखना है कि ये कितने बड़े होते हैं तो सूरज भाई की मॉन्स्टर टैंक देख लीजिए, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। विल ट्राई, कोशिश करेंगे अगर आज हम कवर कर पाए तो, उसमें बहुत बड़ी साइज़ की अल्बाइनो अरवाना है जो मैंने पहली बार मेरे लाइफ में इतनी बड़ी देखी होगी। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर एक एशियन अरवाना है, कौन सी वाली है भाई? ये भाई गोल्डन आईबैक है। ओह वाओ, एशियन अरवाना है ये, अमेजिंग, और इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है जी, आप जी देख सकते हो उसका जो बॉडी का शेप, उसका फेंस कलर वगैरह जो है, स्केल शाइन जी जी, सुपर पीस है। यस टोटली। और हाईबैक गोल्ड से याद है, जो हमारी भी हाईबैक गोल्ड अरवाना है जो फिश टैंक रूम वाली, वो भी सूरज भाई की तरफ से मुझे मिली है एज अ गिफ्ट, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए मैं, और बहुत अच्छे से सिलेक्ट करके उन्होंने मुझे दी थी, अभी तक बहुत अच्छी ग्रो हुई है, एंड बहुत बढ़िया इनके पास अरवानास मिलते हैं। तो अगर आपको अरवानास चाहिए कोई भी टाइप की, हेड टू वर्ड सूरज एक्वेरियम। गिफ्ट की बात भाई, आप मेहनत करते हो जी, आपको मैंने देखा जी, जैसा आप कर रहे हो वैसा मैं कर रहा हूँ जी, आप भी एक हॉबीस्ट हो, तो कोई फिश आपके पास आप संभाल रहे हो, अब मैं देखता हूँ वीडियो आपका भी, तो वो अरवाना आपने बहुत अच्छा उसको ग्रूम किया, बहुत अच्छा बनाया उसको जी जी, तो अच्छा लगता है भाई देख के वो चीज़। शुक्रिया, तो थैंक यू आपको भी जी, हमारे लिए इतना मेहनत आप भी करते हो। सो नेक्स्ट टैंक इज हियर, इसके अंदर बड़ी ही इंटरेस्टिंग वराइटीज है, बट पहले विल चेक आउट दिस अरवाना, कौन सी वाली एशियन अरवाना है भाई? ये आरटीजी है, रेड टेल गोल्डन अरवाना। एशियन अरवाना की कैटेगरी है भी। अच्छा भाई, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट के टाइम में दिखाई हाईबैक गोल्ड, अब ये दिखा रहे आरटीजी, तो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं जब भी, स्पेशली मैं अपनी पर्सनल अरवाना की वीडियो बनाता हूँ, कि आरटीजी को और हाईबैक को क्या इनको टैनिंग लाइट लगते हैं? टैनिंग लाइट देखो लगा सकते हो आप, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा जी। जैसे ही कैसा नॉर्मली गोल्डन जो अरवाना है उसको वाइट टैंक में रखा जाता है, एक इनिशियल स्टेज रहता है उनका ग्रूमिंग पीरियड, तो और व्हाइट लाइट लगाना है आपको, व्हाइट का उतना डिफरेंस रखना है आपको, तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये अपने को बहुत संभालना पड़ता है जी। अभी टैनिंग लाइट कैसे है, थोड़ा हार्ड लाइट है बराबर, आप गोल्ड के लिए यूज़ करोगे ना तो उसको थोड़ा एक डिफरेंस पे रखना पड़ता है, अभी सामने से आप रखोगे तो उसका कलर वो खराब कर देगा फिश बराबर, तो मेरे हिसाब से अगर आप नहीं भी लगाते हो ना तो चल जाता है, ऐसा एक वो मैच्योर हो जाएगा फिशेज, तो उसको कलर आ ही जाता है जी, मतलब स्पॉइल भी हो सकती है लाइट अगर ज्यादा एक्सपोजर दिया तो, बंद करता है ना उनका स्किन, बंद करेगा एग्जैक्टली, हाँ एकदम पास में से रहेगा तो जी, सो बेटर है जैसा है फिश के कंडीशन में ध्यान दो, फीडिंग वाटर पैरामीटर, तो आरटीजी के लिए भी लगाना जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, कुछ कंपलसरी नहीं है। ओके ऑलराइट, तो अगर लगाए एक डिस्टेंस से रखे तो क्या अच्छा खासा आ जाएगा स्केल पैटर्न की? थोड़ा और थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कलर पकड़ेगा, जल्दी आ जाएगा। टैनिंग का मतलब वही होता है कि थोड़ा अपन प्रोसेस जो है उसको फास्ट कर देते हैं। ओके ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी अलग वैरायटी है, क्या नाम है भाई इसका? मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है, एक्चुअली देखो फर्स्ट टाइम आया मेरे पास भी, ग्रुपर जैसा लग रहा है मुझको, ये बम्बल भी ग्रुपर है। ओह वाओ, एकदम एक्सट्रीमली रेयर फिश है ये जी जी, लकीली मेरे पास आया है,
बट अभी तक थोड़ा सेट नहीं हुआ है अभी, आप देखोगे ना फिन्स वगैरह एग्जैक्टली, तो फिर भी एक दो दिन से ऐसा कंडीशन तो भी ठीक है, बेटर है काफी। जी जी, तो मरीन में ही मैंने एक्चुअल में ग्रुपर्स दिखाए, बट फ्रेश वाटर में मेरे ख्याल से पहली बार दिखा रहा हूँ या बहुत टाइम के बाद दिखा रहा हूँ, आई डोंट नो, बट फ्रेश वाटर के ग्रुपर्स भी बड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं। ये एग्रेसिव होते हैं? एग्रेसिव ही है, ये ग्रुपर है, ओके, हिटर्स है, ओके। और ये फर्स्ट टाइम ही आया है, तो मेरे को भी ये लग रहा है कि आप भी फर्स्ट टाइम ही कवर कर पा रहे हैं। जी जी, तो नॉर्मली आप मरीन के इसमें आते हैं। एग्जैक्टली राइट, बम्बल भी ग्रुपर बोलते हैं इसको, ये भी काफी ट्रेंड में चल रहा है, बट अपने यहाँ नहीं मिलता जितना। राइट राइट, एंड लकीली मेरे को मिला एक पीस। ये क्या खाता है ये? अभी फिलहाल तो इसने फीडिंग नहीं लिया है। अच्छा, जो भी है फ्रेंकली मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि अच्छी बात है आपने बोला तो मैं बोल दूंगा खा रहा है ये खा रहा है वो खा रहा है। इसके लिए मैंने लाइव फीड भी डाल के रखा है इसमें, ओके, कि अगर वो कुछ खाना चाहेगा तो खा सकता है, भूख लगेगा तो। नॉर्मली मेरे को लगता है ये प्रॉन्स खाएगा या ब्लडवर्म्स खाएगा, देखते हैं कैसा क्या। एग्जैक्टली, यहाँ पे और एक ऐड करना चाहूंगा, जो मरीन में मैं कवर करता हूँ पैंथर ग्रुपर्स, वो बड़े ही एग्रेसिव होते हैं, दूसरे फिश को मार देते हैं, तो उनको देना भी लाइव ही पड़ता है। आई डोंट नो वेरी मच अबाउट इट, बट थोड़ा बहुत जो पता है वो बता दिया। देन नीचे यहाँ पर ये जो फिश है, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये फिरंगी लोगों के टैंक में, बड़े बड़े टैंक में मैंने देखी है, 10-15 फीट वाली टैंक में, जो बहुत ह्यूज हो जाती है साइज में, ऐसा लगता है कि पेट में हवा भरी है इनकी, इतनी बड़ी साइज हो जाती है लिटरली, और ये सिर्फ सूरज एक्वेरियम में मुझे देखने को मिली है। क्या ये वही है भाई कि मैं कुछ और को कह रहा हूँ? एकदम परफेक्ट बोला आपने जी, ये वही है। ओ, और मैं भी ग्रो कर रहा हूँ इसको। अच्छा, मेरे बड़े टैंक में मैं भी चाह रहा हूँ कि 1.5-2 फीट का साइज का मेरा भी रहे। वाओ वाओ, यस, इसलिए रखा है मैंने। मैं फ्रेंकली कहना चाहूंगा सूरज भाई आपसे भी और हमारे व्यूअर्स से भी, ये फिश मैं पहली बार एक्चुअल में देख रहा हूँ किसी फिश शॉप में किसी के पास, अदरवाइज मैंने आज तक अभी तक सिर्फ जो बाहर के लोग रखते हैं फॉरेन के, उनकी बड़ी बड़ी टैंक्स होती है, उसमें अलग अलग मॉन्स्टर्स होते हैं, हमारे सूरज भाई तो उनको टक्कर दे रहे हैं अपनी टैंक बनाकर, बट ये लाकर तो और भी उन्होंने अच्छा काम कर दिया। थोड़ा आप उसका लुक दिखा देंगे भाई, थोड़ा फिल्टर हटाकर? एक मिनट जी। वाओ, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। ऑलराइट, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इनकी पूरी बॉडी अपीयरेंस एंड बॉडी शेप कितनी डिफरेंट है बाकी फिशेस से। लुक एट दैट, यहाँ पर जैसे इनको स्क्यूट्स आए, जैसे स्टर्जन के पीठ के ऊपर होते हैं, वैसे इनको स्क्यूट्स है बॉडी के साइड में। एंड ट्रस्ट मी, जब ये बड़ी हो जाती है तब इसको देखने लायक ये हो जाती है, बिकॉज इतनी बड़ी हो जाती है, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस इनके मिल जाएंगे जब ये एक्चुअल बड़ी साइज में होती है। क्या भाई मैक्सिमम हो जाती है इनकी साइज? ये जहाँ तक मेरे को लगता है अराउंड 3 फीट तक जाता रहेगा। और ये फिशेस कैसा है ना, अभी देखो इसमें कुछ ब्यूटी नहीं है। जी जी राइट, अभी काफी जन अब देखोगे ना तो कितने जन को लगेगा कि इसमें क्या खास है। exactly. क्या है, बट इसके बारे में अपने को ये समझना है कि ये काफी रेयर है जी, हमको बहुत मेहनत लगता है, बहुत कांटेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ये सब फिशेज exactly. आती है। किसी फिश को कलर नहीं रहता जी, बट उसका ब्यूटी अलग है। अब जब ये बड़े होंगे ना जी, तब इनका ब्यूटी अलग आएगा, जैसे right. कि मॉन्स्टर कैटेगरी के लिए तो बेस्ट है ये फिश जी, जी. Exactly. तो लुकिंग फॉरवर्ड भाई, जब ये बड़ी हो जाएगी तब इसको हम देखेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन इसका, जब होगा तब आप भी फिरंगी लोगों की तरह आपके टैंक में हमको दिखाओगे। तो अभी है 2-4 फिशेस जो है अपने को ऐड करना है अभी बड़े टैंक में। जी जी, वो जल्दी आपको देखने मिलेगा। awesome. एकदम फिरंगी टैंक जैसे ही देखने मिलेगा आपको। awesome. अभी भी आप तो टक्कर दे रहे हो उनको, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये वाली कौन सी है। ये ईल का वैरायटी है, टायर ट्रैक ईल बोलते हैं इसे। ओके, ये भी काफी बड़ा होता है। ग्रेट, इनको थोड़ा हाइडिंग ज्यादा पसंद है। ओके, हियर इज द नेक्स्ट अट्रैक्टिव अरवाना, चेक द स्केल्स, दे आर सो डैम शाइनिंग। ये वाली भाई क्या नाम है इसका? ये मलेशियन गोल्डन ब्लू बेस बोलते हैं इसे, ब्लू बेस अरवाना है। और अच्छा पोटेंशियल है इसका भी बोलूंगा मैं जी, जो उसका स्केल शाइन वगैरह है ना। जी जी, और एक 6 इंच का ही फिश है। ओके, तो आप समझ सकते हो कि आगे और कितना अच्छा बनेगा ये। एग्जैक्टली, एंड ब्लू बेस एक ऐसा फिश है ना जो एक नेचुरल फिश है वो जी, वो प्योर ब्रीड है, तो ऑटोमेटिकली उसको कलर जो है उसका वो डेवलप हो जाता है। बराबर, एंड ब्लू बेस इसलिए बोला जाता है कि जो उसका बेस कलर रहता है स्केल का जी, वो ब्लू होता है। तो किसी को लगता है ब्लू बेस मतलब पूरा ब्लू है ना,
तो वैसा चीज नहीं है जी। उसके उसके रिम गोल्ड रहेंगे, उसका बेस कलर जो है स्केल का वो ब्लू होता है। राइट, सो नीचे यहाँ पर ये बीचेस है, इसमें डेलेजी है और लापराडी है। ओ, तो इसमें दो वैरायटी के बीचेस है। ओके, ये कोई मॉन्स्टर कैटेगरी वाली, ये सब तो कॉमन वैरायटीज है। राइट, आगे जाएंगे यहाँ पर ये वाली भाई, ये अभी कुछ नया आया हुआ है, सुपर हाई बैक। अच्छा, सुपर हाई बैक। हाँ, नॉर्मल हाई बैक से क्या अलग होता है इनमें? नॉर्मल हाई बैक से बोलते हैं तो उसका जो स्केलिंग है जी वो एक 5.5 लेवल का स्केल पे रहता है। अच्छा, आई गेस वो मेरे को लगता है वो हाई बैक जैसा ही है। ओ, देखते हैं इसका भी कैसा क्या है। एक मैं भी रखता हूँ पर्सनल के लिए रखूंगा, देखते हैं कैसा क्या बनता है, बस मेरा आदत है वो। अच्छा, पहले मैं देखूँ कैसा क्या बन रहा है तो मैं दूसरे को रिकमेंड कर पाऊँगा। एडल्ट होने के बाद हम पता कर सकते हैं एक्चुअल क्या उसमें खूबी है। और यहाँ पे ये भी बीचर का वैरायटी है, अल्बिनो रेड आइज है, थोड़ा बड़ा साइज में। सो नाउ अगेन हियर इज एन अनकॉमन इंटरेस्टिंग फिश वैरायटी एट सूरज एक्वेरियम। वैसे तो आपको ये प्लीको दिख रही होगी, बट ये थोड़ी सी अलग बॉडी शेप में साइज में है। क्या नाम है भाई इसका? ये भी शॉर्ट बॉडी है। ओ, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, और लकीली एक ही पीस मिला है मुझे। ओ ओके, शॉर्ट बॉडी प्लीको पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। लेट मी नो अगर आप भी पहली बार देख रहे होंगे तो इसकी देखिए आप बॉडी। दूर से भी आपको दिखा देता हूँ कैसी एकदम अलग सी है। सो आज मेरे को पता चला कि प्लीको में भी शॉर्ट बॉडी आती है एकदम। इसको तो अपन बोल सकते एकदम रेयर है। यस एग्जैक्टली, शायद ही रहेगा किसी के पास। राइट, सो लकी अपन अपने आप को बोल सकते हैं कि अपने को एक पीस मिल गया। जी जी, ये सेल लकी कर आप रहे लोग भी हो और आपको देखने भी मिल गया। एग्जैक्टली, ये आप सेल कर रहे हो? नहीं, रखूंगा, देखते बाद में। ओके, अगर ज्यादा पीस मिले तो जरूर सेल करूंगा मैं। इंटरेस्टिंग, डैम इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर है एक फ्रंटो सा, इसका आप हेड का कर्व देखिए, पीक देखिए कितना आया हुआ है, अपने पूरे प्राइम फॉर्म में है ये इस वक्त। क्या नाम है भाई इसका? ये भी फ्रंटोसा की वैरायटी है। ओ, ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव फ्रंटोसा है। अच्छा, ये जायर ब्लू बोलते हैं, जायर ब्लू मोबा। अच्छा, ये पूरे ब्लू हो जाएंगे, पूरे ब्लू कलर ही रहता है इनका, जो ब्लू बोलते हैं ना इसको। जी जी, एक्चुअली क्या नया आया हुआ है तो कलर उतना पकड़ रहा नहीं है। राइट, अगर आप देखोगे तो शायद उसके हेड पे आपको देख पाओगे तो थोड़ा सा देखो आपको ब्लू दिखेगा। यस, तो बस वैसे ही वो थोड़ा पर्पल ब्लूइश कलर होता है इनका, थोड़ा स्ट्रेस में तो करके कलर नहीं आया। सो नाउ प्रेजेंटिंग टू यू द शो स्टॉपर ऑफ दिस वीडियो, हियर इन फ्रंट ऑफ यू इज अ डैम गॉर्जियस आई प्लीजिंग गार। कौन सी गार है भाई ये? ये प्लैटिनम गार बोलते हैं सर। ओ अमेजिंग, काफी रेयर वैरायटी है जी। रेयर मतलब पहले काफी रेयर थे ये, जी जी, बहुत एक्सपेंसिव थे। जी जी, अभी कैसा है मिल जाते हैं। अच्छा, रेट भी थोड़ा कम है अभी। ओ कम मतलब इतना भी कम नहीं है जी। अच्छा, बट अभी कैसा थोड़ा अफोर्डेबल है जी। इनकी ब्यूटी जो होती है वो तो बहुत ही अलग होती है, और दिस इज़ वन ऑफ माय ड्रीम फिश। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, एक अलग ही टच होता है इनमें। सो अगर आप ऐसी फिश ब्लैक बैकग्राउंड में रखोगे तो पूरे टैंक में चार चांद लग जाएगा। मेरा भी भाई ये ड्रीम फिश था। जी जी, मतलब पहले बहुत एक्सपेंसिव थे। ओ, कैसे बोलते हैं ना कि स्लोली स्लोली आप हर एक चीज करते जाते हो। एग्जैक्टली, तो आज है अपने पास फाइनली, बड़े टाइम में भी मेरे पास थी बड़ी वाली। यस, तो हमने वो निकाल दिए, सेल कर दिए। ओके, एंड लुक एट इट्स स्केल्स, टोटली स्टनिंग। ये स्पॉटेड गार है। स्पॉटेड गार, हां, लॉन्ग नोज है। ओ, एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको टैंक्स में रखना है ना तो इनको रखो जी, लॉन्ग नोज जो रहते हैं स्पॉटेड गार, इनको रखिए। okay. इतने ज्यादा बढ़ते नहीं है और सेमी एग्रेसिव है, नॉर्मल गार जैसे नहीं है जी, थोड़े अच्छे बोल सकते हैं, थोड़े काम है। बिकॉज मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है तो अच्छा है इनके साथ। अच्छा, फिर भी मैक्सिमम कितने बढ़ लेते हैं ये? मेरे को लगता है टैंक में है ना एक समझो 2 फीट तक जाएंगे, बट जो नॉर्मल गार है वो बहुत बड़ा होता है जी, और फास्ट ग्रोथ है उनका। तो और क्या फीडिंग ले लेते हैं? फीडिंग अभी छोटे है तो ब्लड बम। अच्छा, और
छोटे मिंस करके आप प्रॉन्स वगैरह खिला सकते हैं। ओके, इडली छोटे है, बेबीज है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा केयर लेना पड़ता है इनका। जी जी, एक बार बड़े हो जाएंगे ना तो आप ड्राई फूड पे भी इनको अडाप्ट करवा सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इनको। सो दिस इज़ द पिकॉक बास टैंक, इसके अंदर आपको मेजोरिटी के पिकॉक बास दिखेंगे। कौन से वाले भाई ये? ये भी मोनोक्लिस की वैरायटी है, ये बड़े साइज वाले हैं। ओके, 8 से 10 इंच के साइज है इनके। और इसके इसी टैंक में ये वाला, ये रेडटेल जायंट गुरामी है जो अपने बड़े टैंक में है, बड़ी वाले। जी जी, उसका छोटा वेरिएंट है, देन उसमें ब्लैक टेल है। ओके, जो अभी लास्ट जो ब्लैक टेल आपने देखा है जी जी, छोटे थे उसी, ये थोड़े बड़े साइज का, 6 इंच का साइज है ये। ओके, ये एक ही पीस बचा है जी। Here is a geophagus variety. कौन सी वाली है ये? अल्बिनो हैकेली है। जियोफेगस का ही वेरियंट है, बट अल्बिनो रेड आइज। ओके, अभी इनका कलर नहीं दिख रहा है आपको, शो नहीं हो रहा है, 2 इंच का साइज है। जैसे एक 3-4 इंच के साइज होंगे ना। ओके, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। जी जी, यर इज अनदर ग्रेसफुल एरवाना, एंड ये बहुत बड़े साइज में है। क्या नाम है भाई इसका? ये क्रॉसबैक है। ओ, ये भी अराउंड 16-17 इंच का साइज है, 16 इंच का साइज है। ओ, और ठीक है, इसके साइड में और एक इससे भी बड़ी एरवाना है, ये वाली भाई कौन सी है? ये भी क्रॉसबैक है, बट ये उससे बड़ी साइज है। अच्छा, ये 18-19 इंच का साइज है। ओके, इसका शेप वगैरह बहुत अच्छा है जी, जो विद है इसका काफ़ी अच्छा है। एग्जैक्टली, और एक लास्ट टैंक अब हम कवर कर रहे हैं नीचे वाली, इसमें तो बहुत सारी वैरायटीज़ है। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे भाई, ये वाले कौन से? ये पैरेट की वैरायटी है जी, इसमें सांता क्लॉस है। अच्छा, ये वाला? ये वाली, ये सांता क्लॉस पैरेट है। ओ, ये नॉर्मल पैरेट है जी। ये टाइगर पैरेट है, टाइगर रेड पैरेट है। टाइगर पैरेट जी। अच्छा, ये किंग कॉन्ग की वैरायटी है। किंग कॉन्ग, हाँ, बॉडी शेप देखो उसका, राउंड है। ओके, और ये है, ये येलो टाइगर पैरेट है। अच्छा भाई, यहाँ पे पूछना चाहूँगा, बहुत से लोग बोलते हैं नॉर्मल पैरेट और किंग कॉन्ग में आइडेंटिफाई कैसे करें जब वो स्मॉल होते हैं, मतलब ये साइज के होते हैं? स्मॉल देखो, पहला तो चीज़ है ना, पैरेट जो किंग कॉन्ग पैरेट का रहता है ना, उसमें दो वेरियंट है, एक KKP बोलते हैं जिसको, किंग कॉन्ग पैरेट बोलते हैं, एक सुपर किंग कॉन्ग पैरेट बोलते हैं। अच्छा, सुपर जो आता है उस वो थोड़ा मिलना रेयर है, किंग कॉन्ग पैरेट मिल जाता है, एक राउंड बॉडी वाला रहता है और एक लॉन्ग बॉडी रहता है। अच्छा, जैसे कि आप पीछे देखोगे ना वो वाला, देखो उसका बॉडी शेप देखो जी, कर्व दिख रहा है ऊपर से, हाँ वो पूरा राउंड है, और इसका बॉडी स्ट्रक्चर जी ये देखो थोड़ा लंबा है, राइट, और उसका जो है ना उसका थोड़ा अच्छा पोटेंशियल है, वो हेड वगैरह देखोगे ना उसका जो कर्व है जी जी, उसका चांसेस है हेड आने का। एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको हेड भी नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। ऑलराइट भाई, दूसरी कौन सी है इसके अंदर? दूसरी फिर येलो वाइट में है। येलो वाइट, ये भी देखो बहुत ब्यूटीफुल पीस है जी जी। उसके बाद पैरेट का वैरायटी है, इधर येलो वाली है। ओके, देखो ये ऑर्डिनरी पैरेट है, इसका देखो राइट, इसके बॉडी में फर्क समझ जी जी, फिर इसमें अगेन बड़ा साइज का रेडटेल जायंट है। ओ वाओ, 12 इंच का साइज है, बहुत ह्यूज है। देन इसमें और एक स्पेशल शॉर्ट बॉडी का वेरिएंट, शॉर्ट बॉडी परम शार्क, शॉर्ट बॉडी परम शार्क जी, इनकी बड़ी ऊंची डोर्सल रहती है जैसे कि अब दिख रही है हमको, नॉर्मली आप देखोगे तो लॉन्ग आता है जी जी, वो शॉर्ट है, राइट। और इसके अंदर एक कैटफिश है, मेरी फेवरेट रेडटेल कैटफिश है। ऑलराइट सूरज भाई, बहुत मज़ा आया आपका शॉप कवर करके बड़े दिनों के बाद में, बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिली, खास करके कुछ अनकॉमन इंटरेस्टिंग, और एरवानास तो आप हमेशा ही बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग रखते ही थे, बहुत मज़ा आया भाई कवर करके आपका शॉप मुझे दोबारा। थैंक यू भाई, आपको भी जी, और बढ़िया बढ़िया स्टॉक तो हम लाएंगे, आप बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाइए, ज़रूर बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाते रहेंगे जी जी, और थैंक्स अगेन मैं बोलूँगा आपको जी, बहुत बहुत बेस्ट, एकदम बहुत बेटर एक प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, थैंक यू सो मच। अभी छोटे से लेके बड़े हॉबीज़ तक, छोटे से लेके बड़े शॉपकीपर के लिए, शॉप्स वाले लोग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जी, जो हर एक चीज़ अपनी प्रमोट कर सकते हैं, और आज का टाइम कैसा सोशल मीडिया वाला ही है जी जी, तो आपके इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई जी जी, तो आप इसी तरह आप काम करिए
बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी इसी तरह बढ़िया बढ़िया स्टॉक लेकर आइए जो हमको कहीं पर देखने को नहीं मिलता है, और फिरंगियों को भी ऐसी टक्कर देते रहिए मॉन्स्टर्स लाकर। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस ऑसम वीडियो दैट आई शॉट एट सूरज एक्वेरियम लोकेटेड इन वसई वेस्ट। आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे। लेट मी नो कि आपको इस वीडियो में कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा पसंद आई।